हेलो एवरीवन, दिस इज दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट दिस मोल्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे मोल्स के बारे में। उस दिन हम पढ़े थे मोलर मास और मोल, मोलर मास के बारे में पढ़े थे और आपका मोल कॉन्सेप्ट जो भी था उससे रिलेटेड हमने पढ़ा था। ठीक है, आज पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, ये सब कैसे निकालते हैं, आज इसके बारे में डिस्कशन करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ये देख लीजिए, अगर मोलर मास है, जैसे मान लीजिए मोलर मास है, ठीक है, मोलर मास उस दिन हमने बताया था मोलर मास। एंड अगर मास की बात करें, इसमें डिफरेंस जैसे यही होता है, इसका मतलब ये होता है कि वन मोल का मास, ठीक है, वन मोल ऑफ मास, ठीक है, वन मोल ऑफ मास इसमें यही होता है। और या फिर ये कह सकते हैं कि इसमें कह सकते हैं इसका मतलब ये होता है एन ए मॉलिक्यूल का मास, ठीक है, एन ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ मास ये भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो डिफरेंस रहता है, इसका डिफरेंस बस यही रहता है, इसमें नंबर ऑफ वन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इसमें नंबर ऑफ वन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और इसमें क्या होता है नंबर ऑफ एन ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ एन ए मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और इसमें नंबर ऑफ वन मोल या फिर वन मोल ऑफ मास कह सकते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है नंबर ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल, इसमें वन मोल है, और इसमें क्या है एन ए मॉलिक्यूल्स, मीन्स ये क्या होता है आपको एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ये हमने उस दिन बताया था। ठीक है, चलिए अब ये देखेंगे इसमें हम कि जैसे ये आपका जो मोल होता है, ठीक है, चलिए मोल जो होता है आपका, जैसे उस दिन हमने बताया था, जैसे इसके जो फार्मूलाज अगर बात करें तो बहुत होते हैं, अलग अलग डिफरेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये होता है n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, ठीक है, और किसी कंटेनर में क्या है पार्टिकल्स वगैरह रखे हैं तो उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो किस तरह जनरली फार्मूला तो ये सब जानते हैं, n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम होता है। ओके, अब इसका एक ये भी फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एन ए, ठीक है, एक ये भी फार्मूला होता है कैपिटल एन का। ओके, एक ये भी फार्मूला होता है एन इज इक्वल टू वी एस टी पी पे, ठीक है, ये लीटर में रहे, डिवाइडेड बाई 22.54। ओके, एक ये भी फार्मूला होता है, देखिए ये इतने फार्मूला होते हैं। अब कहाँ कहाँ सब अपना अलग अलग अप्लाई होता है, ठीक है, अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग अप्लाई होता है। और एक देखो, एक ये फार्मूला ये भी होता है यहाँ पे n इज इक्वल टू, अगर मोलैरिटी सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे, ठीक है, उसके लिए अप्लाई होता है n इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू वी वॉल्यूम, ठीक है, लीटर में, एक ये भी फार्मूला होता है। बस अब देखो जो होता है, अगर गैसेस देखो यहाँ पे ध्यान देना, तो सब अपना अलग अलग अप्लाई होता रहता है। जैसे अगर इसकी बात करें और ये दोनों, ठीक है, ये फार्मूला और ये फार्मूला की बात करें, तो ये जो होता है सॉलिड, ठीक है, और लिक्विड और गैस, तीनों के लिए ये अप्लाई होता है, ठीक है। बट अगर इसकी हम बात करें, ये जो होता है, ये वली जो होता है आपका, ये ओनली आपका गैस के लिए अप्लाई होता है, किसके लिए, गैसेस के लिए, ठीक है, ये ओनली गैस के लिए अप्लाई होता है। अब बात करें इसकी, तो ये जो होता है आपका ओनली सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई होता है, किसके लिए, सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। तो सबके केसेस अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये हो गया, तो सब अपना अलग अलग अप्लाई होता है। अगर गैसेस में अगर बात की जाए, जैसे गैसेस की अगर बात करते हैं ना, तो ये कहा जाता है कि जो एन होता है मोल, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, लीटर में, ये भी कह सकते हैं, ये जनरली आता रहता है फॉर्मूला। ओके, तो ये है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के इतने तरीके हैं, ठीक है, ये आपका होता है n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एन ए एवोगैड्रो नंबर, और n इज इक्वल टू वी एस टी पी पे लीटर में दिया है 22.4, ठीक है, ये अप्लाई होता है आपका ओनली गैस के लिए, ये अप्लाई होता है आपका सॉलिड लिक्विड गैस, ये दोनों फार्मूला इसके लिए अप्लाई होता है, और ये जो होता है ओनली सॉल्यूशंस के लिए, ये मोलैरिटी है, m मोलैरिटी है और ये वॉल्यूम है लीटर में, ठीक है, ये अपना अप्लाई होता है, ठीक है। चलो अब देखेंगे हम, अब देखेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बात करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और देखेंगे हम नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आयन, चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन से लेते हैं, उसे डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स एग्जांपल, जैसे ये दिया है आपका यहाँ पे, इसमें दिया है 36 ग्राम मोल ऑफ H2O, ये दिया है। अब इसमें आप सारा फाइंड आउट करिए, क्या क्या फाइंड आउट करना है बताइए, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए, ठीक है, नंबर ऑफ
यहाँ मोल बताइए, उसके बाद मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बताइए, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स वगैरह बताइए, कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं इसमें कैसे निकलता है, ठीक है, चलो देखेंगे कैसे निकलेगा, ध्यान देना। जैसे नंबर ऑफ, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो जनरली फार्मूला जैसे ये होता है, नंबर ऑफ अगर हम मोल की बात करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ अगर मोल की बात करेंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल के लिए जनरल फार्मूला डब्ल्यू बाई एम होता है। ओके, यहाँ पे ये हमने किया, ये 36 हो गया, और मॉलिकुलर मास ये H2O का है, ये H2O का हो जाता है आपका टोटल 2 है, और ये आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे रख दिए 18, ये आपका आ गया 2, ठीक है, कितना आया, n इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालेंगे तो किस तरीके से निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका ये होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला ये होता है, यहाँ पे स्मॉल n और ये कैपिटल एन ए मीन्स एवोगैड्रो नंबर, ओके, ये हो गया। चलो अब यहाँ पे जो है यन, अगर यन की बात करें तो ऑलरेडी 2 आ चुकी है, या फिर इसके जगह पे आप ये भी रख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है, ये भी रख सकते हो, बात एक ही है, इसको कैलकुलेट किया तो अभी 2 आया है, 2 मल्टीप्लाई और बाकी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू रख दीजिए, 6.023 × 10³, इसको सॉल्व करिए, जो आया आपका वही आंसर, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। अगर अब बात करें हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं, देखो नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स ये जो फार्मूला नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फार्मूला होता है एन, यहाँ सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फार्मूला है ये जो है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फार्मूला ये एन इंटू कैपिटल एन इंटू एटॉमिसिटी, ठीक है, एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी का मतलब जैसे ये होता है, जैसे मान लो यहाँ पे H2O है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, देखो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन हो गए और एक क्या हो गया, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और 2 हाइड्रोजन के, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 हैं, 3 है ना, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। तो ऑलरेडी ये आपका कितना था, ये मान लीजिए आपका आएगा 12.024 समथिंग कुछ करके आएगा, और यहाँ पे एटॉमिसिटी कितना है आपका, 3 है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जितना आंसर आया आपका वही हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल